वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए एक नई डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये एक्सकेवेटर बकेट का एडेप्टर है, जिसे सिंपल भाषा में आप बकेट का टूथ भी कह सकते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक फीचर्स हमने यूज़ किए, एक्सट्रूड बॉस, फिर एक्सट्रूड कट, फिर ड्राफ्ट फीचर, रैप फीचर, फिलेट, चैम्फर। इस तरह से कुछ बेसिक फीचर्स हमने यूज़ करके इस कंपोनेंट को क्रिएट किया है। तो आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसका 2D ड्राइंग हम देख लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक 2D ड्राइंग क्रिएट किया है इसका, जिसमें हमने यहाँ पे मेंशन किए सारे डायमेंशन। ये टॉप व्यू है, फिर ये फ्रंट व्यू और ये बॉटम व्यू। तो इसमें देखिए, फ्रंट व्यू में ये सारे डायमेंशन हमने यहाँ पे शो किए हैं, और यहाँ पे इसका सेक्शन व्यू भी यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें काउंटर बोर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जिस 22 mm का। तो आपको ये ड्राइंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस लिंक को ओपन करके इस ड्राइंग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट प्लेन क्रिएट करेंगे। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पे स्केच क्रिएट करना है हमें। तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें लाइन टूल एक्टिवेट करना है। लाइन टूल एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक लाइन क्रिएट करनी है हमें। फिर इस एंगल में लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करना है, और यहां पे देखिए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब सिंपली हमें इस लाइन के पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, और कोइंसिडेंट रिलेशन सेट कर देना है। अब हम यहाँ पे डायमेंशन इसका अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट की लेंथ रहेगी 80 mm। फिर इस पॉइंट की लेंथ रहेगी 200 mm। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और मेक रिलेशन पैरेलल। फिर यहां से इसकी हाइट 5 mm अप्लाई करनी है हमें। अब इस लाइन की हाइट हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है 43 mm। फिर यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन इस तरह से यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, और इस लाइन की हाइट रहेगी 28 mm। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ रहेगी 230 mm। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ रहेगी 255 mm। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ रहेगी
165 mm. फिर यहाँ से इस पॉइंट की हाइट, इसकी हाइट रहेगी 14 mm, और इस पॉइंट की हाइट रहेगी 12 mm. और यहां से इस पॉइंट की हाइट 7.42 mm. अब हमें यहाँ पे थ्री पॉइंट आर्क ड्रॉ करना है, तो यहाँ से इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इस ओरिजिन पॉइंट के साथ इसे कोइंसिडेंट रिलेशन दे देना है इस तरह से। अब इसकी रेडियस रहेगी यहां पे 1000 mm, और ओके करना है। यहाँ पे हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, इस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं, इस तरह से इस लाइन को हमें सेट करना है। लाइन को डिलीट कर देते हैं, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां से इसकी इसका एंगल रहेगा 65 डिग्री। इस तरह से, और इसकी हाइट यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देते हैं 14 mm। अब सिंपली इस वाली लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करके मेक रिलेशन इक्वल कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब हम यहाँ पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, सॉरी यहाँ पे लाइन लाइन
लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है हमें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ऐसे स्क्वायर स्क्वायर डिज़ाइन में हमें इसका शेप ड्रॉ कर देना है। ये दोनों वर्टिकली रखनी है हमें, अब सॉरी हॉरिजॉन्टल रखनी है। अब इस तीनों लाइन को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड और इस सेंटर लाइन को, और मेक रिलेशन सिमेट्रिक कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से इसकी हाइट रहेगी 75 mm। इसकी हाइट रहेगी, और यहाँ से इस वाले पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट की लेंथ रहेगी 115 mm इसकी लेंथ रहेगी। देखिए इस तरह से हमने हमारा स्केच फुली डिफाइंड हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फीचर में जाना है, फीचर में जाने के बाद एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। एक्सट्रूड बॉस बेस फीचर हम एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट काउंटर काउंटर में जाना है, यहाँ पे इस वाले स्केच को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे मिड प्लेन और इसकी इसकी लेंथ रहेगी 108 mm। आपको ध्यान देना है डायरेक्शन में मिड प्लेन सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से, अब हमें फिर से उसी स्केच में जाना है, फिर से एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करेंगे और इस बार हमें इस वाले स्केच को सिलेक्ट करना है। इस वाले स्केच को सिलेक्ट करना है पूरा, एक्सट्रूड बॉस बेस स्केच सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड बॉस बेस यहाँ पे इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है जो आगे हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया था, तो उसकी विड्थ रहेगी 85 mm। 85 mm अप्लाई करके ओके कर देना है। देखिए इसे भी मिड प्लेन में हमें एक्सट्रूड करना है, तो इस तरह से देखिए ये टीथ हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ कट्स और ड्राफ्ट फीचर यूज करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉटम वाली फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, फिर यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट कर देते हैं। मिरर एंटिटी में इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट दिस लाइन, और ओके कर देना है। अब हमें ओरिजिन पॉइंट से इसकी लेंथ रखनी है 60 mm। और यहाँ से इसकी हाइट रहेगी 58 mm। अब यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर इस वाली लाइन को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। ट्रिम टूल एक्टिवेट करना है, पावर ट्रिम सिलेक्ट करेंगे और अननेसेसरी लाइन को हमें ट्रिम कर देना है और ओके।
देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे, फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे और ओके कर देना है। इसी तरह हम ये वाली ऊपर वाली फेस को भी हम एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देते हैं। तो टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे, मिरर एंटिटी इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट दिस लाइन, और ओके कर देना है। फिर यहाँ पे इसकी हाइट रहेगी, डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसकी हाइट है हमें 75 mm रखनी है और यहाँ से 108 mm। ओके, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। अब अननेसेसरी लाइन को हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से हमने स्केच क्रिएट कर दिया है। अब फिर से फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे, ब्लाइंड कंडीशन अपसाइड और ओके करना है। अब यहां पे अंदर वाली इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, फिर यहां पे ऑफसेट एंटिटी, ऑफसेट एंटिटी 10 mm बट रिवर्स साइड और ओके करना है। फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट अप टू 6 mm और ओके करना है। इसी तरह इस फेस को भी सिलेक्ट करेंगे, स्केच, ऑफसेट, रिवर्स, ओके, फीचर एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट 6 mm और ओके करना है। फिर यहां पे इस वाली फेस को स्केच, ऑफसेट, ऑफसेट 10 mm, रिवर्स और ओके करना है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहां पे हमें 6 mm की जगह 5 mm अप्लाई करना है और ओके करना है। अब हम यहां पे एक चैम्फर अप्लाई करेंगे हम। चैम्फर में हमें यहाँ पे 6 mm की चैम्फर हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, 6 mm, और यहाँ पे इसकी डिग्री रखनी है, इसका एंगल रहेगा 30 की डिग्री रहेगी। फिर इस वाली एज को सिलेक्ट करना है, सेकंड एंड थर्ड। देखिए इस तरह से हमें यहाँ भी इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, और ओके कर देना है।
देखिए हमने चैम्फर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारी अप्लाई हो गई है। अब हम इस वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ रहेगी, सॉरी इसकी विड्थ रहेगी 50 mm और इसकी हाइट रहेगी 70 mm और ओके करना है। यहां पे इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है। मेक रिलेशन वर्टिकल, फिर यहां पे इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ पे हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है और इसकी हाइट रहेगी 2 mm और ओके करना है। फिर यहाँ पे हम चैम्फर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे चैम्फर इसकी रहेगी 1.5 mm और यहाँ पे इसकी इसका एंगल रहेगा 45 degree। और ओके कर देना है। फिर यहाँ पे फिलेट 10 mm मैन्युअल सेट करना है। यहाँ पे फिलेट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 10 mm और इस वाले एज को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। इस तरह से अब यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करेंगे। चैम्फर यहाँ पे हमें 3 mm, हमारी चैम्फर यहाँ पे 3 mm हम अप्लाई करेंगे इस वाली फेस को। जो अंदर की साइड में हमने कट लगाए थे उन सारी अंदर की एज को हमें सिलेक्ट करना है। इसी तरह यहाँ भी हम सिलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से सारी एज जो है उन्हें सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे इस वाली फेस को भी सिलेक्ट करना है और ओके करना है। इस तरह से फिर से फिलेट अप्लाई करेंगे। यहां पे 2 mm हम फिलेट अप्लाई करेंगे और यहां पे इस वाली एज को सिलेक्ट करना है। कॉर्नर एज जो है उन्हें सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे हम ड्राफ्ट फीचर एक्टिवेट करेंगे। तो आपको ड्राफ्ट फीचर एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे इसका प्लेन सिलेक्ट करना है, आपकी किस डायरेक्शन में इसका ड्राफ्ट करना चाहते हैं, टेपर करना चाहते हैं, इसका एंगल सेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे देखिए एरो का डायरेक्शन बैक साइड में है, तो हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं।
बाहर की साइड में हमें टेपर करना है, इसका ड्राफ्ट फीचर अप्लाई करना है। तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इसका एंगल रहेगा 5 डिग्री, फिर अप्लाई कर देना है। अब फिर से इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, राइट प्लेन सिलेक्ट है और यहाँ पे 5 डिग्री हमने अप्लाई किए और फिर अप्लाई कर देना है और ओके करना है। देखिए इस तरह से हमने, ये देखिए इसका पूरा शेप चेंज हो गया है ड्राफ्ट फीचर यूज़ करके। अब फिर से ड्राफ्ट फीचर एक्टिवेट करेंगे। ड्राफ्ट फीचर एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे इसका राइट प्लेन सिलेक्ट करते हैं रिवर्स बाहर की साइड में। अब हम इसके टॉप फेस को टेपर करेंगे, ड्राफ्ट फीचर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम एंगल इसका देंगे 70 डिग्री, 70 डिग्री हमें टेपर करना है और अप्लाई कर देना है। अब बॉटम वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जस्ट इसका एंगल चेंज करना है 8 डिग्री और अप्लाई करना है, फिर ओके कर देना है। देखिए इस तरह से इसका शेप पूरा इस तरह से हो गया है। ये एक्सकेवेटर बकेट में टूथ लगता है, उस टूथ के अंदर ये वेल्ड होता है। अब हम यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे, फिलेट यहाँ पे 10 mm, इस वाली एज को और इस वाली एज को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फिर यहाँ पे चैम्फर में जाएंगे, चैम्फर में जाने के बाद इससे पहले हम यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर देते हैं। फिलेट यहाँ पे 5 mm फिलेट अप्लाई करेंगे इस वाली एज को और यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देनी है और ओके कर देना है। अब हम यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करेंगे, चैम्फर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 2 mm, इस वाली एज को सिलेक्ट करना है से क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे फ्लिप साइड, फिलेट यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे 2 mm और इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है और इस वाली दोनों साइड में दोनों एज को सिलेक्ट करने के बाद फिलेट अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा टूथ क्रिएट हो गया है। अब यहां पे चैम्फर अप्लाई करेंगे, चैम्फर यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 mm, सॉरी 1 mm हम चैम्फर यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इन सारी एजेस को सिलेक्ट करना है हमें।
यहाँ पे देखिए बाहर की साइड में हमें चैम्फर अप्लाई करनी है और फिर ओके कर देना है। अब हम यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है और नॉर्मल व्यू कर देना है। फिर यहाँ पे होल विजार्ड में जाना है होल विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए काउंटर बोर इसे सिलेक्ट करना है। अनसीमेट्रिक सॉकेट हेड कैप स्क्रू इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे इसकी साइज रहेगी 24 mm। फिर यहाँ पे फिट नॉर्मल और यहाँ पे इसकी साइज देनी है 22। अंदर का होल 22 40 साइज और इसकी हाइट रहेगी 18 mm। फिर यहाँ पे इस वाली इसकी पोजीशन सिलेक्ट करनी है हमें। तो यहाँ पे पोजीशन इसकी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस जगह पे। फिर कीबोर्ड के एस्केप की को हमें प्रेस करना है और यहाँ से यहाँ पे हम फिर इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो इसका डायमेंशन इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ रहेगी 30 mm। फिर यहां से इस हाइट से हम ले लेते हैं इस वाले पॉइंट से इसकी हाइट रहेगी 55.5 mm। और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से हम चाहते हैं इसकी डीप और हमें बढ़ानी है। आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर भी इसकी डीप बढ़ा सकते हैं। तो हम इसकी डीप बढ़ा देते हैं थोड़ी, क्योंकि काउंटर बोर हमें थोड़ा उसकी डीप ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी हाइट है 18 mm, तो 22 हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग 22 है, तो 22 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए इस तरह से इस फेस से ये 22 की डीप है। अब हम यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग दे देंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं और इसकी लेंथ रखते हैं ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 112 mm। फिर यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट एक्टिवेट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी ब्रांडिंग है उसका नाम लिख देते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिख देते मिसाकी, इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है और सेंटर कर देते हैं। हमें रिवर्स साइड में ये टेक्स्ट रिवर्स साइड में चाहिए। अब हमें यहाँ पे यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट इसे टिक कर देना है, अनटिक करना है और फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे इसके फॉन्ट
चेंज कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे इसका इस पॉइंट इस टेक्स्ट की साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी साइज दे देते हैं 36 mm, सॉरी 36 का साइज दे देते हैं और ओके कर देते हैं। फिर इसे ओके कर देना है, क्लोज कर देंगे इसे। एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पे रैप फीचर में जाना है हमें। रैप फीचर में जाने के बाद इस वाले स्केच को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे किस वाली फेस कौन सी फेस पर हमें रैप फीचर अप्लाई करना है, तो हमें इस फेस पर रैप फीचर अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखिए एम्बोज, डिबोज और चेस यहाँ पे है, इसे इनमें स्क्राइब एम्बोज में हमें इसे सिलेक्ट करना है, एम्बोज सिलेक्ट करना है और इसकी हाइट दे देनी है 1 mm और फिर ओके कर देना है। और फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे लाइन, तो यहां पे फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर लाइन, और इसकी इसका डिस्टेंस रखेंगे इस लाइन यहां से ओरिजिन पॉइंट से 147 mm। फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इसका कोड लिख देना है 2713-9037 9037। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से इसकी साइज बढ़ा देनी है हमें, यहाँ पे हम इसके भी फॉन्ट चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका इसकी साइज बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करेंगे 48 सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है और इसे एग्जिट करना है। फिर से रैप फीचर में जाएंगे, रैप फीचर एक्टिवेट करने के बाद इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, ये भी एम्बोज रहेगा 1 mm और ओके कर देना है। अब हम इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है इस तरह से। अब इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 30 mm, 30 by 55 mm 54 कर देते हैं और ओके करना है। फिर यहां से इस पॉइंट से इस लाइन के लाइन का डिस्टेंस रहेगा 92 mm। अब सिंपली इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल कर देना है। अब हमें ऑफसेट करना है, ये ऑफसेट रहेगा 2 mm ऑफसेट करना है हमें, तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट चेन कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई करना है 2 mm और रिवर्स साइड में और ओके करना है, फिर एग्जिट कर देना है। अब यहाँ पे फिर से रैप फीचर में जाना है हमें, रैप फीचर में जाने के बाद इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे रैप यहाँ पे हमें डिबोज करना है, डिबोज 1 mm या हम यहाँ पे 0.5 mm कर देते हैं, आप 1 mm भी कर सकते हैं और फिर ओके करना है। तो देखिए इस तरह से एक्सकेवेटर हमारा एडेप्टर तैयार हो गया है।
अब हम इस पर अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं। अपीयरेंस में जाना है हमें, अपीयरेंस में मेटल में जाना है। मेटल में जाने के बाद यहाँ पे स्टील सिलेक्ट करना है और स्टील में ये हमारा मटेरियल रहेगा कास्ट कार्बन स्टील, इसे सिलेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से मटेरियल हमने अप्लाई कर दिया है, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। एडिट अपीयरेंस में जाना है हमें, एडिट अपीयरेंस में जाके यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।